ओम शांति दोस्तों, आज हम एक विशेष प्रकार के वृक्ष की चर्चा करेंगे जो कि धरती का वरदान है। आप इसकी पत्तियां देखिए, हमें लगता है कि आप पहचान रहे होंगे। बहुत सारे हमारे मित्र जो पेड़ पौधों के जानकार हैं वो जान रहे होंगे। जिन्होंने पहचाना, सही पहचाना दोस्तों, ये है सहजन, जिसको मुनगा भी कहते हैं लोक भाषाओं में, और जिसकी अंग्रेजी है ड्रम स्टिक। तो इसके जो मुख्य, इसमें तो एक ही महीने फल आते हैं, लेकिन सदाबहार सहजन एक ऐसा सहजन होता है जो कि अक्टूबर से लेकर के पूरे वर्ष भर लगभग इसमें फली आती रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसके गुण क्या हैं और कैसे कैसे इसका प्रयोग हम करें। तो एक जो कामन रोग, और पास आ गया, एक कामन रोग है जो सर्दी जुकाम है, वो प्रायः लोगों को पकड़ा करता है। तो सर्दी जुकाम में इसकी पत्तियों का, फलों का और का सूप बनाकर पीने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें संतरे से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है। तो ये क्या करता है, सर्दी को दूर करने में बहुत अहम रोल अपनाता है। तो इसका सूप पिए और उसमें काला नमक डाल के पी सकते हैं, अदरक डाल के भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत पौष्टिक भी है। तो सर्दी जुकाम में इसका लाभ है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या इसके लाभ हैं। पहले तो इसके पोषक तत्व देख लेते हैं। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और इसका प्रचार करें ताकि लोगों में इसका ज्ञान हो सके, अन्य लोग भी इसको जानें। तो ये हम सबका ज्ञान का प्रचार करना, ज्ञानयुक्त समाज की स्थापना करना हम सबका परम धर्म है। तो इसके लिए हमारा भी प्रयास है और आपका भी प्रयास होना चाहिए। तो इसके पोषक तत्व मैं आपको बता दूँ, इसमें पोटेशियम की मात्रा केले से कई गुना होती है। आपको मैं बता दूं कि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, और पोटेशियम केवल एक रोगियों को हाई पोटेशियम नुकसान करता है, वो है जो किडनी के गंभीर मरीज हैं जिनको डायलिसिस हो रहा है। उनके शरीर में अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट उनका ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त एक्स्ट्रा पोटेशियम निकालने का कोई साधन नहीं होता है। तो ये उनके साथ समस्या है। बाकी जितने भी प्रकार के नॉर्मल लोग हैं, वह जितना अधिक से अधिक पोटेशियम लेते हैं, इसीलिए उनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, और दूसरा उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नियंत्रित रहता है। अब जानते हैं केले को हम इसलिए लेते हैं कि केला ब्लड शुगर, ब्लड के जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है, हाई बीपी को। तो उसी तरह से ये भी है, अगर हम सहजन की पत्तियों का सूप लेते हैं या सहजन की फली खाते हैं तो, या सहजन की फलियों का चूर्ण लेते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। और आपको बता दें, इसमें दूध से दो गुना प्रोटीन है, और इसके प्रोटीन में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। जो मांस की क्वालिटी होती है, कि मांस को इसलिए लोग सेवन करते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे शरीर के लिए जो 22 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ हैं, तो वो सारे होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी बहुत हाई क्वालिटी के प्रोटीन पाया जाता है, और आपको बता दें दूध से लगभग दो गुना अधिक प्रोटीन से पाया जाता है। तो ये बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है, और कैल्शियम भी दूध से कई गुना होता है, तो दूध से भी ज़्यादा लाभदायक चीज़ है, इतना ज़बरदस्त चीज़ है। और आपको बता दें कि इसकी मेडिसिनल और न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है, उसमें आयरन की मात्रा इसमें पालक से भी कई गुना है। तो अगर जिनके शरीर में एनीमिया है वो इसका सेवन करें तो उनके शरीर में खून की कमी कम हो, जो है वो दूर हो सकती है। ये बहुत अच्छा है। और इसको सेवन करने के लिए आपको बता दें कि इसको सेवन के लिए जो हम प्रायः लोगों से बताते हैं कि किसी भी चीज़ को मिक्सर में डाल करके एक मुट्ठी पत्तियों को डालें और एक गिलास पानी डालें, एक मिनट चला दें, एक दो मिनट में छान के पी जाएं, तो ये बहुत लाभदायक है। और दूसरा जो आप इसका दूसरे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि इसको सूप बना करके, इसको गर्म करके पी सकते हैं, और इसकी पत्तों को सुखा लें, और सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना लें। तो चूर्ण बनाने के बाद भी इसका सेवन एक एक चम्मच करते रहें तो भी बहुत लाभदायक है। एनीमिया कलामा आपका, ये इसका आर्थराइटिस जिनको है, गैस की प्रॉब्लम है, इसका चूर्ण लें तो उसमें भी बहुत लाभकारी। अगर आपको लंग्स इन्फेक्शन है, क्योंकि इसकी पौष्टिक तत्व इसमें ज़्यादा है, तो पूरे शरीर को हीलिंग देता है, और जितने अच्छे प्रकार के पोषक तत्व हो सकते हैं, मल्टी विटामिन की कैटेगरी का ये समझिए, इसमें आवश्यक जितने खनिज लवण है, जिंक की मात्रा भी इसमें है। तो आप जानते हैं जिंक की जो अधिक मात्रा होती है हमारे शरीर की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हो, चाहे नर हो नारी हो, तो उसमें जिंक की मात्रा है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेमोरी पावर इम्प्रूव करना है तब भी इसका जूस है, इसको किसी भी प्रकार से लें।
तो मेमोरी पावर में ही बहुत ही अच्छा ये काम करता है। बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी याददाश्त प्राय दिक्कत होती है याददाश्त में, तो बुज़ुर्ग लोग इसको लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो सेवन है वो किसी भी प्रकार से करें, लेकिन हमारे शरीर के लिए हमेशा ये उत्तम ही होता है। और आपको बता दें कि जो जिनको कैंसर की बीमारी कुरोखा में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, अगर हम इसको लेते रहते हैं तो हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस रुकता है और शरीर में कैंसर नहीं होता है। एजिंग प्रोसेस होते ना, जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसकी त्वचा जो है ढीली पड़ने लगती है, इसके सेवन से हमारे शरीर की त्वचा ढीली नहीं होती है। तो अगर हम सहजन का सेवन करते हैं तो हमारी एज देर से दिखाई पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा गुण है। तो किसी भी प्रकार से बंधु सेवन करें, ये लाभदायक है। धन्यवाद। ओम शांति।